उत्तराखंड जनपद बागेश्वर की मुख्य सड़क जो मुझे और मेरे विकास खंड को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ती है की हालत बेहद खस्ता है। विगत एक दशक पहले लोक निर्माण विभाग ने सड़क की स्थिति सुधारने के लिए डामरीकरण और चौड़ीकरण का कार्य शुरू भी किया, लेकिन हालत जस की तस बनी रही। तो ऐसे तो हमारे क्या कहते हैं उत्तराखंड में काम हो रहा है ना। क्या कहना चाहेंगे आप इन सड़कों की हालत पे? सड़कों की हालत तो यहाँ गड्ढे हो गए हैं, गाड़ियों के हम लोग बिल्कुल जा नहीं पा रहे हैं और रोड ऐसी हो रही है कि लगा लो कि चलने लायक मुश्किल हो रहा है इसमें बिल्कुल। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तराखंड दौरा था। मुख्यमंत्री जी ने आना था, उनको अच्छी सड़क दिखे इसलिए लोक निर्माण विभाग ने रात को सड़क में डामर कर दिया। खराब मौसम और बारिश होने के बावजूद भी सड़क पर डामर किया गया, लेकिन अब देखिए डामर निकलने लगा है। अक्सर मेरे मन में ये सवाल उठते हैं कि जब कोई बड़ा नेता आता है, मुख्यमंत्री या केंद्र स्तर का कोई मंत्री, तो हमारा स्थानीय शासन प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त क्यों हो जाता है? सारे काम होने लगते हैं, सड़कें ठीक होने लग जाती हैं, यातायात व्यवस्था सुधर जाती है, पुलिस चौकन्नी हो जाती है, लेकिन इन नेताओं के जाते ही या इन बड़े आला अधिकारियों के जाते ही स्थितियां पुनः वैसे ही हो जाती हैं। आए थे एक घंटे के लिए आए थे वो, तो उन्हें पेट्रोल्डी वाले ने 5-6 लाख रुपया या 10 लाख रुपया जो ये कंकड़ में डमर में भाई खर्च हुआ है, ये बेकार का हुआ खर्च है। ऐसे बिछाया है और आज इसको उखाड़ के फेंक रहे हैं और क्या कहते हैं चंदा मुश्किल, बाइक वाले कितने रपट गए, कितना कितने हाथ पांव टूट गए, कितना कितने क्या कहते हैं पट्टियां बांध रहे हैं, ये हाल हो रहे हैं इस रोड के। और गड़ा में बुलडोजर और सब तार खेड़े ला, हमारा पूरा जमीन दाब गया वहां से डर रहे, हम किसी से डरते नहीं, मिनिस्टर हो या मिनिस्टर का बाप हो। भ्रष्टाचार और अंधेर गर्ती का इससे बड़ा सबूत और कहां देखने को मिलेगा। ये एक बड़ा उदाहरण है उत्तराखंड के गरुड़ विकास खंड में। मुख्यमंत्री जी अपने उड़न खटोले पर उड़ के चले गए, अगले दिन सड़कों से डामर निकलने लग गया। यह कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास है? लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी इस मामले पर कुछ बोलने से मना कर देते हैं। उत्तराखंड के गरुड़ विकास खंड से विपिन जोशी, इंडिया अनहर्ट के लिए।